और पिछले 6 माह में जो प्रदेश की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से देश की जनता उसकी प्रदेश की जनता उसकी सराहना कर रही है। प्रदेश में 5 विधानसभा चुनाव में उपचुनाव है, क्योंकि ये सीटें परंपरागत रूप से कांग्रेस और उनके अलायंस के पास वर्षों से रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि चुनाव के नतीजे अच्छे आएंगे। हाँ, विपक्ष के नेता भी, विपक्ष के विधायक भी भेष थपथपा रहे हैं, और ये ऐसा बजट है जो प्रदेश के चहुंमुखी से सर्वांगीण विकास वाला बजट है, जहां प्रदेश के हर कोने के, हर वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए ये बजट समाहित होता है। स्वच्छ राजस्थान, समर्थ राजस्थान, सशक्त राजस्थान, विकसित राजस्थान, इस परिकल्पना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट की रचना बनाई है, और मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़क हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग के कल्याण और उत्थान की योजना इसमें समाई। देखिए, ये विषय ध्यान में आया है, इसके ऊपर निश्चित रूप से सरकार से बातचीत करके इसका किस प्रकार से समाधान निकले, इसके लिए प्रयास होते युवा हैं। कई वर्षों से, आज से नहीं, कई वर्षों से जो पुरानी संसद से पुरानी सूची थी उसी अनुसार चल रहा है। आगामी दिनों में और क्या इसमें जुड़ाव हो सकता है, और जो लोग एक ही परिवार के कई लोग हिस्सा बने बैठे हैं, और जो जरूरतमंद है उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, ऐसे कैसे उनको समायोजन कर बात करेंगे।